नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज माता का छठा दिन है, माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। आज के दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस रूप की पूजा करने से मनुष्य को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्रदान करती हैं माँ। पौराणिक कथा के अनुसार कात्यायनी माँ ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा। देवी के इस रूप ने महिषासुर का वध किया था, इसीलिए माँ को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माना जाता है कि कात्यायन ऋषि ने माता को पुत्री रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवती ने उनके सामने उन्हें दर्शन दिए। तब माता ने कहा, जो भी वर मांगना है ऋषि, आप मांग लीजिए। माता को महर्षि ने अपनी मनसा बता दी। माता ने वचन दिया कि वो उनके घर पुत्री रूप में जरूर से जन्म लेंगी। फिर जब तीनों लोकों पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और सभी देवी देवता उसके अत्याचार से परेशान होकर त्रिदेव भगवान विष्णु और महेश ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तब त्रिदेवों के तेज से महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। माता के इस स्वरूप को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नौमी तीनों दिन तक माता की पूजा की। तब दसवीं के दिन महिषासुर नामक दानों का वध करके तीनों लोकों से उसके अत्याचार को खत्म कर दिया। माता कात्यायनी का शरीर सोने की तरह सुनहरा चमकता हुआ है। माता शेर की सवारी करती हैं, इनकी चार भुजाएं हैं और माँ कात्यायनी की एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में उनका प्रिय पुष्प कमल लिए हुए हैं और उनके अन्य दो हाथ वर मुद्रा अभय मुद्रा में हैं। माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठें जाना चाहिए और स्नान आदि करके नित्य कार्य से निवृत्त हो जाएं। फिर देवी की तस्वीर या जो भी आपके पास मूर्ति हो उसको सामने रखें, या तो आपने कलश की स्थापना की है तो माता कात्यायनी का नाम ले करके सबसे पहले आप गंगा जल डालें और करके पुष्प, चुनरी, चंदन, रूड़ी, सिंदूर का उन्हें अर्पण करें माता को, और उसके बाद माता को भोग में शहद का भोग लगाएं जिससे माता कात्यायनी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माता से क्षमा याचना जरूर से मांगनी चाहिए और पूजा शुरू करने से पहले आपको माता का पूजा का संकल्प ज़रूर से करना चाहिए। इस दिन मंदिर में जाके किसी को दान दक्षिणा दें, या तो गरीब मिल जाए तो गरीब, या तो पंडित हों आपके पास तो उन्हें ही दान दक्षिणा दें। लड़कियों को चुनरी बांटें, माता को शहद का भोग लगाएं, साथ ही अगर आपके पास सीजन का कोई फ्रूट है तो अपने श्रद्धा अनुसार उसका भी भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं, मीठा चढ़ाएं। माता कात्यायनी की क्षमा याचना करें और माता का मंत्र का जाप इस प्रकार से करें, या देवी सर्वभूतेषु मा कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता कात्यायनी। माँ कात्यायनी आपके घर में सुख और शांति विद्यमान रखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय माता की दोस्तों।